देखिए ऐसा है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मेरा ये निवेदन है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकड़ों को ढंग से पढ़कर आइए। आप जिस तरीके से ट्यूटर होकर आते हैं और बिना होमवर्क के चुनावी जनसभाओं में जाकर या कार्यकर्ताओं की जनसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम पहले उनकी गंभीरता को समझिए। केवल सुबह उठकर जो आपको कागज पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सहयोगी या आपके साथी और आप उसको वहां पे जाकर पढ़ देती हैं, ये चीज सही नहीं है। कम से कम पहले उन मुद्दों को समझे कि वो पैसा आया क्यों है, क्यों नहीं आया है, क्या उसके कारण है। और कुल्लू में जितने भी देव समाज के मंदिर है जो कुल्लू दशहरे के अंदर आते हैं, उनको अगर किसी ने नजराना देने का प्रथा शुरू करी कुल्लू जिला के अंदर, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया। मंडी के अंदर देवी देवताओं के लिए देव सदन अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ, आज इतना बड़ा भवन कुल्लू के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से और वीरभद्र सिंह जी की वजह से बनकर तैयार हुआ है। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पर गलने वाली नहीं है। जितने बड़े वो हिंदू है उससे बड़े हिंदू हम हैं, और हम हिंदुत्व पे भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, राजधर्म पे भी आगे बढ़ेंगे और देश संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम विकास के दृष्टि से भी आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति से भी आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक जो हमारी प्रतिष्ठाएं हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य हम बराबरी के साथ पूरी मजबूती से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता ने अभी वक्तव्य दिया है कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है लोकसभा का जो मंत्री पद से इस्तीफा दे, क्या कहें? नहीं, मैं तो मंत्री, आई एम स्टिल इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मगर मुझे पार्टी ने जो है वो टिकट दिया है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये तो पार्टी का दायित्व होता है, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। उनको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने जो नेता हैं उनके चुनाव लड़ रहे हैं उनकी चिंता करे। जो बगावती सुर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और उसकी चिंता करे, उनको हमारे कुनबे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।